आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में पशु की चर्बी और मछली के तेल के इस्तेमाल होने के टीडीपी के दावे के बाद हंगामा मच गया। मामले में विवाद बढ़ता देख एनडीडीबी ने इसका परीक्षण किया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। सत्ताधारी दल टीडीपी के दावे के बाद एनडीडीबी गुजरात में नमूनों की जांच की, जिसमें मंदिर को सप्लाई किए गए घी में मछली का तेल मिले होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस संबंध में वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकाल पर सवालिया निशाना लगाए हैं। 19 सितंबर को तिरुपति मंदिर से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इसमें बताया गया कि घी के नाम पर इस्तेमाल की जा रही सामग्री में पशु चर्बी, मछली का तेल और पाम तेल के अंश मिले हैं। यह खुलासा टीडीपी नेता अनम वेंट रमना रेड्डी के द्वारा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो घी लड्डुओं में इस्तेमाल किया जा रहा है वह शुद्ध घी नहीं है, इसमें कई तरह की मिलावट है, जिसमें मछली का तेल, पशु चर्बी और पाम तेल मिला है। यह आरोप धार्मिक और भावनात्मक स्तर पर बेहद गंभीर है, क्योंकि तिरुपति लड्डू को एक पवित्र प्रसाद माना जाता है, जिसे भक्त भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित करते हैं और श्रद्धा से भक्त ग्रहण करते हैं।